एकदम सीधा लाइन। सिरामिक बाहर निकला है उसके हम लोग पीसी ही है हमें। और आप एक पेंसिल रखिए ताकि आपको इसका एक लाइन है जो हम लोगों को नीचे का एंड पता चले, बटन से नीचे राउंड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और हमने वो उस नीचे का जो लाइन है वो तय कर लिया है। ये लाइन हमारा सीधा रहेगा, इसका देखो वन का और इस वन का यहाँ पे सीधा रहेगा, इसको हम लोग राउंड से भरेंगे थोड़ा यहाँ से पटला देगा। तो आपको ये पेंसिल रखना बहुत ज़रूरी है, पेंसिल साथ टेस्ट। हमने इसका ओरिंग वॉट्स बेडअप का वीडियो भी बना रहे हैं, तो आप उसका भी हम लोग कार्ड में डाल देते हैं। ये सीधा ही अबेदा आपको ये सेंटर का लाइन है वो सीधा देना है। मैं एक बार इड्रो पर गया तो बदल सर से इधर ही रहेगा और इसका राउंड से थोड़ा रहेगा। देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने राउंड सेप किया है और यहाँ से इसे राउंड सेप। यहाँ पे आपको सिर्फ हल्का हल्का सेप देना है, बाकी का जो भी सेप रहेगा परक सेप में हम लोग ले लेंगे। और आप बिल्डअप सीखना चाहते हैं, फिनिशिंग करना सीखना चाहते हैं, ग्लेजिंग करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी यहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हम लोग आपको आपका ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आपको ये सब बिल्डअप ये सब करना।
चाहो। हमने यहाँ पे अल्काल का करेक्शन कर लिया है, बाकी अभी हम इसके ऊपर बिल्डअप ऐसे करते हैं, उसका भी वीडियो हम लोगों ने अलग बनाया है, वो बिल्डअप का वीडियो, और ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते थे। अगर आप बिल्डअप का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने बिल्डअप का वीडियो बना दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर बिल्डअप का वीडियो भी देख सकते हो। पेंसिल जरूर रखिए मार्क करने के लिए कि आपका यहाँ से राउंड शेप कहाँ पे रखना है, सबका राउंड शेप आप एक जगह से रखिए ताकि इसका लुक्स बेटर आए। इसे आपको राउंड का इस तरह से बॉस से आपको राउंड करना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो मत भूलना, कमेंट भी कीजिए कि हम लोग किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। ये आपका सेपरेट करने का जो राउंड शेप है वहां का निशान है, और अभी हम लोग यहाँ से सीधा लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ओके, और यहाँ से थोड़ा हम लोग राउंड शेप करेंगे, यहाँ भी थोड़ा राउंड शेप और एकदम सीधा लाइन। ये आपको समझ में अगर ड्रॉ आ गया तो आपका एकदम बढ़िया वर्क हो जाएगा। देन सीधा लाइन, दोनों साइड का एक साथ काम लीजिए, वन का सो वन का। फिर इसका हल्का सा राउंड शेप, या भी आप टू पे भी ऐसा ही काम करना है, यहाँ से सीधा करते हैं एकदम भी, और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप लेना है आपको। ये सारा फंडा है, एक बार समझ में आ जाएगा ना। यहाँ भी वही सीधा एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, और यहाँ से हल्का सा राउंड सेट कीजिए। K9 में हम लोग यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ पे वी शेप में करेंगे, और यहाँ भी ऐसे ही हम लोग लेकर वी शेप में करेंगे। वाई, अब देखो वाई शेप में हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ ले लेते हैं, सहले तो हम लोग इतना ही करेंगे और यहाँ भी हम लोग इतना ही करेंगे। अभी वो वाई शेप में काम करेंगे, बीच वाला हिस्सा आपके पूरा का पूरा निकालना है। देखिए इसका लुक्स बेटर होने लगा है।